नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कद एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान के सामने बढ़ने लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी छोड़ने का लाभ दिग्विजय सिंह को मिल रहा है। कांग्रेस ने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है। 2018 के बाद ही पहला मौका है जब दिग्विजय सिंह का कद फिर से बढ़ गया। दिग्विजय सिंह के फिर से राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद पार्टी में उनकी पूछ परख बढ़ गई है। हाईकमान ने दिग्विजय सिंह को मोदी सरकार के अध्यादेशों से कानून बनाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए बनी 5 सदस्यीय समिति में शामिल किया है। इससे उनके कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में कद बढ़ने से जोड़कर देखा जा रहा है। इस कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अलावा जयराम नरेश, पी चिदम्बरम, डॉक्टर अमर सिंह और गौरव गोगोई भी हैं। दिग्विजय सिंह 2018 के पहले कांग्रेस के सबसे ताकतवर महासचिवों में गिने जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बढ़ते कद के सामने दिग्विजय सिंह को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सिंधिया और गांधी परिवार के नजदीकियों के कारण भी दिग्विजय सिंह को केंद्र में मौका नहीं मिल रहा था।